मैरिनेशन करने के लिए अपने को चिकन पे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये घर का गरम मसाला है 2 चम्मच, कस्तूरी मेथी, एक कप के करीब दही, अपने अंदाज से नमक, फिर सबको मिलाएंगे। मैरिनेशन कंप्लीट हुआ है, अभी इसी तरह इसको आधा घंटा रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम रहा तो आप 10-15 मिनट भी रख सकते हैं या आधा घंटा भी रख सकते हैं, मैं आधा घंटा रखूँगी। ये लगभग है 4 से 5 कांदा, अभी इसके आप लोग ब्रिस्ता बना लेंगे। अपने हिसाब से ब्रिस्ते के लिए तेल डाल लेना। ऑयल गर्म हो चुका है, इसको हिला के इसको लाइट ब्राउन कलर होए तक अपने को पकाना है। इसी तरह इसको अभी आप लोग को हाईवे में रख देने का है थोड़ी देर के लिए, क्रिस्पी करने के लिए। क्रिस्पी करेंगे, अभी हाथ से करेंगे तो क्या जाड़ा जाड़ा ही रहेंगे, इसलिए एक बार खाली मिक्सर में आप लोग इसको घुमा लेंगे, सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं। बस इसी तरह रहना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस इसी तरह अपने को दरदरा चाहिए। खड़े गरम मसाले है 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, ज़ीरा, 5 से 6 काली मिर्च, ये सब अभी आप लोग इसमें डालेंगे। जैसा इसको हल्का सा ब्राउन करने देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जला नहीं डालना, जलाएंगे तो कड़वापन आ जाएगा। फिर जो आप लोग मिक्स करके जो रखे थे चिकन, उसको इसमें डाल देंगे। पूरा पोंछ के डालना, दर्रा भी कुछ बचना नहीं चाहिए ऐसा। फिर डाल के इसको हल्के हाथों से, ज़्यादा एकदम फास्ट फास्ट मत करना, एकदम हल्के हाथों से करना, क्योंकि आप लोग ने आधा घंटा पहले ही इसको मिक्स करके रख चुके थे। फिर इसमें जो बचा है, इसमें तो थोड़ा सा पानी डालना, पानी डाल के अच्छे से इसको मिला डालना, पूरा पोंछ के लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि यही है मेन, इसी से अपनी ग्रेवी बनेगी। फिर इसको अपने को फिर इसे पकने के लिए 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना। देखिए कैसा तेल आया, तेल देखो जितना अपने को तेल चाहिए था ऊपर आने का था, हो गया, मसाला सब अच्छा अपना भुन गया है और तेल जितना आने का था ऊपर सब आ गया। अभी ऐसे टाइम पे अपने को जितना पानी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए, मेरे को इतना चाहिए, क्यों हमारे घर में थोड़ा पतला सालन चावल सबके साथ खाने को चाहिए ना, इसके लिए मैं थोड़ा मेरे हिसाब से डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिए, कोई कोई घट रखता, कोई कोई पतला रखता, मेरे को ऐसा चाहिए, इससे ऐसा। अब इसको पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। अब देखेंगे, देखिए अच्छे से पक गया है, चिकन भी चेक कर लेना, ये
इस पे आके कि अपने को चिकन इस तरह गल गया है क्या। चिकन देखेंगे, देखो टूट रहा है चिकन। हाँ चिकन गल गया है। फिर इस पे अपने को आकर कोथमीर डाल देंगे। ये चार हरी मिर्च, फिर अपने को एक नींबू का रस, बस एक बार हल्के हाथों से हिला दीजिए। अपना चिकन कड़ी रेडी।